हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा 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 इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने अनिरुद्ध के बहुत सारे सॉन्ग रिव्यू किए हैं, बहुत सारे BGM रिव्यू किए हैं, बट मैंने बहुत बार आपको ये भी समझाया कि गाइज, ये कहीं ना क्यों, क्योंकि मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और मैं DJ भी हूँ, और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के नाते, एक म्यूजिक आर्टिस्ट के नाते मेरा जैसे काम ही ये है, तो मैं बहुत सॉन्ग सुनते हैं, हम लोग बहुत सॉन्ग सुनते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का। तो क्या होता है, हमको थोड़ा सा भनक लग जाती है कि यार ये गाना कैसे इंस्पायर्ड है, ये वाला गाना कैसे इंस्पायर्ड। मैं बहुत बार बोला हूँ कि हनी सिंह अपना अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध अपना बहुत सारे गाने जो है वो इंग्लिश, मतलब idiom या इंग्लिश इससे इंस्पायर्ड है करके बहुत बार बोल चुका हूं मैं। तो ये जो आज हम लोग सीरीज, हाँ, इन्फ्लुएंस होता है प्रॉपरली। तो मैं आज जो हम लोग देखने वाले थे, अनिरुद्ध के 10 कॉपीड BGM एंड सॉन्ग्स इन तमिल सिनेमा, बिल्कुल ठीक है, मीडिया गैंगस्टर से हम लोग देखने वाले हैं ये। तो मैंने तो बोला ही था ऑलरेडी आपको, बट अभी एक्चुअली प्रूव होने वाला है। तो कहां से, मेरे को तो पता है कौन सा कहां से उठा है, बट कंफ्यूजन में होता है थोड़ा आदमी, तो हम लोग इधर से कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आते हैं, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। और यस, हम लोग अभी तो ये सिर्फ देख रहे हैं, बट 1 मिलियन बाद हम लोग आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाने वाले हैं कि अगर ये कॉपी किया है तो कैसे, कौन सा एग्जैक्ट कैसे बना के, बहुत सारा मतलब डिटेल में जाने वाले हैं। तो ऐसा हम लोग आपके लिए कंटेंट लाने वाले हैं, बिल्कुल। तो तब तक के लिए प्लीज, आप नए हो तो चैनल को शेयर कर दो, तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, तो 1 मिलियन होने में बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिलेगी। और बाकी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो। और यस, अगर कोई भी साउथ का हमारे से कोई गाना छूट गया होगा या कोई ट्रेलर छूट गया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग वो रिव्यू करेंगे, ठीक है, लगा दे। ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு, ஒரு மனுஷன் ஒரு தடவை வந்தாச்சுன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கணும், புரியுதா? ஓகே, சேம் செய்யல, நான் யாருக்கு பண்ணிடுறேன் மாப்பிள, அந்த வாழ மட்டும் கொடு மாப்பிள, விட்டுவிடால அசைலகிறாய். ஓகே, बाय द वे आपको बता देता हूँ, ये जो गाना बज रहा है आपने सुना होगा कि नहीं, स्पीड 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 वेनु स्पीड काटी पोड़ानी, लेट 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 लामा लेट सगा वाड़ानी, तकित तकित ती तारंगान तो ननगदाने रंगान। ये गाना जो है हनी सिंह के साथ कोलैबोरेशन आया था अनिरुद्ध का, जो हम लोगों ने पहली बार अनिरुद्ध का गाना सुना था और रिमिक्स किया था, बनाया था, ये पहला गाना था शायद से कोलावरी डी के बाद, या पहले ये सुना बाद में कोला, अभी आइडिया नहीं आ रहा मेरे को, बाद में सुना तो है ना, बाद में तो थोड़ा सा ठीक है, इधर उधर होता है, पर बाद में है ना, विचार करना तू, तू सोचना, अरे बाबा थोड़ा सा। तो गाइस, ये हम लोगों ने किया था और इसका रिव्यू भी किया है, प्लीज जाके देखना अगर आपने देखा नहीं होगा तो। और जो मैंने गाया स्पीड 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 स्पीड, इसके अगर लिरिक्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो माफ कर देना, अपन गाए, अपने को आता नहीं, थोड़ा सा कोई भी लैंग्वेज,
उठा ले अपना फोन, बज रही है तेरी बेबी को लावरी ट्यून। फ्रॉम मुंबई टू मरीना, एसिन से लेके करीना, सबके बीबी अब पेपिंग के हु इज दिस हिप हॉप टू मी। वेलकम टू चेन्नई अंडर अंडर कनाड। ऐसा आप लोग कर देते तो प्लीज यार गाइस, ऐसे हमको साउथ के गाने सजेस्ट करते रहो, मजा आएगा। तो हम लोग को रिव्यू करने में मजा आता है। आप लोग सजेस्ट नहीं कर रहे आजकल, मैं बता रहा हूँ आपको, सजेस्ट करो तो हम लोग भी रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा बीच बीच में हम लोग अपना चालू कर देते हैं, वो फील में म्यूजिक है ना, म्यूजिक वाले। तो चलो आगे देखते हैं। ओके, वर्ड्स म्यूजिक। व्हाट यू ये இப்படி பார்க்கறாரு? सात। ओके ठीक है, थोड़ा सा कोई என்ன பா நடந்து போச்சு? அஜித் ஃபேன்ஸ் போச்சா? இந்த பண்டரி பாய் மாதிரி இருந்தா மட்டும் பத்தாது. ये तो मैं ही सुना, अरे ये सुना हूं मैं। नमई पोचू मदा ये तो प्रॉपर है, ये तो प्रॉपर है और ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। हाँ। नॉर्मली बहुत सारे यूट्यूबर जो कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक हाँ। यूज करते ना, उसमें ये आता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको। तो जितना मेरे को पता है, मिस्टर इंडियन हैकर नॉर्मली उसके वीडियोस में ये बहुत सारा बहुत बार रहता है। चलो आगे, ये बहुत फेमस है ये वाला भाई। अपन हर बार बोलते गाइस, जो हमको रेगुलर देखते ना उनको अच्छे से पता होगा हाँ। कि हम लोग हर बार बोलते यार ये, क्योंकि जो वो कौन सा है, बीस्ट का बीस्ट मूड। हाँ, ये आपको बोला है हम लोगों ने गाइस, हम लोगों ने ये सुना है। बट इसने, चलो इसने बनाया बहुत अच्छा किया, बट ये कहीं ना कहीं मैंने सुना है, आपको बोला था, और वो हम लोग ने ढूंढ के निकाला, वो भी लेके आएंगे आपके लिए प्रॉपरली सीरीज, वो हम लोग लेके आने वाले बोट कड़क में। तो ऐसा है, समझ में आता है। இந்த கிச்சிக்கால் வலை எல்லாம் யாக்கிட்ட வச்சிராத, ஒத்த கால தனியா வெட்டி போடுவனே, என்ன ஆட்ற, ரெண்டு காலை வெட்டி போடுவண்டி, அப்புறம் வண்டி ये क्या बोल रहे पता नहीं, आप समझा देना कमेंट में, मिनट लिख के। जीवन शंकर राजा अपने काम पे हाथ उठा, हाथ मार दिया। ना ना अंदा लिस्ट पर आ रहे, लिस्ट पर आ है, पैकेट ல இருந்து 10 ரூபாய் அடிச்சிட்டு போறாரு। ये अच्छा बनाया था, ये अच्छा बनाया था, इसमें भी बोला था मैं बोला था ट्रेविस स्कॉट का। பேர குழந்தைகளை பார்க்கணும் சொல்ற பாட்டி, இந்த டார்ச் எல்லாம் தாங்க முடியாம கடைக்கு வந்த கல்யாண வாசு, அவ முன்னால நிக்கிறான், அவ கண்ணால சொக்கிறான். Sida feeling me, are you feeling me, feeling me, you feeling you, ada paavi aala paatha dummy pisa irke bayangaramana aala irke da adanal da and abhishek ena nambir ek number pe bis oh ito pandir on the roof
வி ஹரி கிருஷ்ணா மாஸ்டர் பீஸ் பிஜியம் வந்து இப்ப நான் என்ன உட சொல்றது தேவையில்லாத ஐயெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை இறக்கி விட்டு படிக்க பாக்குறானே இவங்கிட்ட போய் நான் என்னத்த பேசுவேன் ये बोले था हम लोग युवन शंकर राजा என்ன ஏன்டா அடிக்கிற இங்க அடிச்சாதான்டா அங்க வலிக்கும் மீம் டால் கே மஸ் கியோ இங்க அடிச்சா இங்க தான்டா வலிக்கும் சிரிக்கிறான் பாரு எங்கடா சிரிக்கிறான் गाइस बहुत अच्छा वीडियो था। एक अगर मैं चीज बोल दूं कि अगर ये मतलब हमारे किन का है देख रहे हम लोग ये अपने मीडिया गैंगस्टर और यतीश एडिट्स ने बड़ा अच्छा एडिट किया है, बड़ी अच्छा ये किया है। बट हाँ, मुझे थोड़ा बहुत मालूम ही था इसके बारे में और हम लोगों ने बोला ही, वो उसका भी बोला आपको कि बीस्ट का और ऐसे दो चार गाने हैं जो बोले थे। बट क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्पायर्ड होना और करना सैंपलिंग करना कोई ये नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बट उसमें इतनों से सैंपल करो और इतना अपना बनाओ, बिल्कुल, तो क्रेज अलग रहेगा। सही बात है, ठीक है। मैंने जो बीस्ट का देखा है गाइस, बीस्ट मोड, वो तो पूरा का पूरा सिर्फ उसमें कंपोजिशन डाल दिया अपना, ऐसा समझ लो। और कुछ पर्कशन डाले तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। तो मतलब अरेंज अच्छा किया है अनिरुद्ध, अरेंज अच्छा किया अनिरुद्ध ने, उसका कोई आपको ये नहीं है, हम भी खुश हुए है, ऐसा नहीं। बट मतलब जब अपने को पता चला कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा शॉट है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, बिल्कुल चलता है, चलता है, कोई बात नहीं। बट उतना पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल, इतना भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप खेलो। बाकी अनिरुद्ध भाई तो अपने फेवरेट है, अच्छे लगते हैं अपने को, बिल्कुल। और भी साउथ के है जो हमको बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल, बहुत साउथ के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और साउथ के क्या क्या म्यूजिक चाहिए, फुल रिव्यू चाहिए, तो हम लोग वो करेंगे। और एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि अगर नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, तो 1 मिलियन हमारे जल्दी पूरे हो जाएंगे आपके प्यार के वजह से, बिल्कुल, क्योंकि आप हो तो हम लोग के चेहरे पे स्माइल रहता है, ये बात ध्यान में रखना। बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत। Na 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 na